एट सेंस इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्टिव सिस्टम क्या होता है कि हम अपने बॉडी के अंदर क्या फीलिंग्स हो रही हैं, क्या सेंसेशंस हो रही हैं, उसको अच्छे से समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए, रिएक्शंस दे पाए। लाइक भूख लगी है, प्यास लगी है, दर्द है, गर्म है, ठंडा है, तो ये होता है इंटेरोसेप्टिव सेंस। तो इस पे हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो कर रहे हैं कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, अगर इंटेरोसेप्टिव सेंस में इश्यूज होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है और दिस इज द फोर्थ पार्ट। इसमें हम जानेंगे अगर इंटेरोसेप्टिव सेंस में इश्यूज हैं तो कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हमें फॉलो करना है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो इंटेरोसेप्टिव सेंस की अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं है कि एएसडी है या एडीएचडी है तो ही इसमें इश्यूज आएंगे। देखिए, अगर कोई ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है या कोई बॉडी में इंजरी हो गई है और बॉडी में कोई इश्यूज आ गए हैं, मतलब कोई भी कहते हैं ना बीमारी या उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी इंटेरोसेप्टिव सिस्टम में इश्यूज आ जाते हैं, तो उन केसेस में भी इंटेरोसेप्शन वीक हो जाता है और हमें उस पर काम करना ज़रूरी है, सो दैट ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंडेबल हो, अंदर की फीलिंग्स और सेंसेशन सही से हमें समझ में आए। तो इस पे कैसे वर्क करना है वो जानते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज वेगस नर्व एक्टिविटी, कि वेगस नर्व हमारे ब्रेन से स्टार्ट होके कॉलन तक रहती है और हर ऑर्गन को टच करती है। इसीलिए जब इस पे ये अच्छे से एक्टिवेट रहेगी और वेगल टोन अच्छी रहेगी तो जितने भी फीलिंग्स और सेंसेशंस हैं वो ब्रेन तक अच्छे से जाएंगे एंड ब्रेन उनको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएगा। तो वेगस नर्व पे काम करना बहुत ज़रूरी है और ये हर केस में काम करता है। लाइक अगर कोई ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, इंजरी है, उसकी वजह से इंटेरोसेप्शन में इश्यूज आए हैं तो उसमें भी वेगस नर्व पे हम लोग काम करते हैं। वेगस नर्व पे काम करने से क्या होगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी रिड्यूस होता है, सेंसेशंस और फीलिंग्स जो इंटेरोसेप्शन है वो ठीक होता है, अटेंशन कंसंट्रेशन बढ़ता है, इमोशनल रेगुलेशन आता है अपना अपने आप पर, तो ये सारी चीज़ें उससे इम्प्रूव होती है। अब वेगस नर्व की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट थर्ड में डिटेल्ड में बताई हैं, आप प्लीज़ वो वीडियोज़ जाकर देखिए और वहाँ पर आपको 9 to 10 एक्सरसाइजेस मिलेंगी कि वेगस नर्व को कैसे एक्टिवेट करना है। सो द नंबर वन थिंग इज हमें वेगस नर्व पे काम करना है। नंबर टू, अगर हम लोग बात करें एएसडी और एडीएचडी में, सो अगर इंटेरोसेप्शन पे हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम करना जरूरी है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं, बाय द बर्थ वो आते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बच्चे की डेवलपमेंट फेज में उसको हेल्प आउट करते हैं इन सर्वाइवल, वो मैच्योर होते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। बाय द एज ऑफ 1 ईयर, जब बच्चा 1 साल का होता है, मोस्टली रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं, उनका काम फिनिश हो जाता है, बच्चा वॉकिंग स्टार्ट कर देता है, डेवलपमेंट पीरियड जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। अब कई केसेस में क्या होता है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेन्ड रह जाते हैं, बॉडी के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, सेंसरी इश्यूज, मेंटल इश्यूज, डेवलपमेंटल डिलेज, एंड नंबर ऑफ डिलेज आ सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर डिले में आपको रिटेन रिफ्लेक्स मिलेगा। तो आप सबसे पहले प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को जानेंगे कि मेरे बच्चे में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं, उनकी एक्टिविटीज कराएंगे तो इंटेरोसेप्शन भी साइड बाय साइड इम्प्रूव होगा। सो द नंबर सेकेंड थिंग इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। अगर बच्चे में रिटेन रिफ्लेक्सेस हैं, आप उन पे काम करेंगे, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स का फोल्डर देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल्ड वीडियोज शेयर की हैं अबाउट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, कि कैसे क्या होते हैं,
कैसे उनको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम उनकी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस करा सकते हैं. सो द नंबर सेकेंड थिंग इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स. द नंबर थर्ड इज एएसडी और एडीएचडी की बात कर रही हूँ अभी मैं. बच्चों को उसमें इमोशंस पे नॉलेज नहीं होती कि उनको खुद के इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मुझे क्या फील हो रहा है. फेशियल एक्सप्रेशन उनको शो नहीं करने आते और दूसरों के सोशल क्यूज भी समझने नहीं आते हैं. ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, हमें बच्चे को इमोशंस भी सिखाना पड़ेगा. अब इमोशंस सिखाना कैसे है, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कि बच्चों को इमोशंस पे कैसे काम करना है वो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप पहले बच्चे को इमोशंस समझाएंगे, हैप्पी, सैड, एंग्री, एंड ये इमोशंस होते हैं, व्हेन हैप्पी कब होते हैं, सैड कब होते हैं, वो सारा चीज़ आपको पहले प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ताकि उनको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग आए. फिर उसके बाद हमें एक ये इमोशनल रेगुलेशन चार्ट बनाना है कि मैं उस टाइम हैप्पी हूँ, ओके हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, मेरा अब मेल्टडाउन आने वाला है, थोड़ा सा एजिटेटेड और मेरा बस हो गया है. तो अब जब भी कोई चीज़ होती है, शो हिम दिस चार्ट. अब उस दो केसेस में, लास्ट वाले टू केसेस में जब मेल्टडाउन आने वाला है, उस केसेस में आपने एक्टिविटीज़ भी शो किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ विजुअल कि अब बच्चे को सबसे पहले तो आपने पानी देना है ताकि उसका नर्वस सिस्टम शांत हो जाए, वो अपने आप को काम डाउन कर पाए. अब आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है बच्चे को उस टाइम क्या चाहिए. अब अलोन टाइम, स्लीप टाइम चाहिए, रीड सोशल, उसको कोई स्टोरी रीड करना है, बुक देना है, बबल्स उसको ब्लो करके काम डाउन करना है, बॉल या जो भी उसका फेवरेट टॉय है आप उसका विजुअल रखिए. और दिस इज इमोशनल चार्ट. आपने इमोशनल रेगुलेशन चार्ट के हेल्प के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कराना है कि वो क्या फील कर रहे हैं और स्ट्रेस और एंग्जाइटी में उन्हें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना है, इमोशंस सिखाने हैं. तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो द नंबर थर्ड थिंग इज वर्क ऑन इमोशंस. आपको इमोशंस पे काम करना है. द नंबर फोर्थ थिंग, मॉडलिंग आर लैंग्वेज. हमें अपनी लैंग्वेज को सही मॉडल करना सीखना होगा. ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा है, उसको इश्यूज लग रहे हैं आपको, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है. अब बच्चे को ये ही नहीं पता कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि उसको भूख लगी है या प्यास लगी है. तो रादर देन सेइंग कि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, हमें बोलना ओ आपको तो प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, आपको तो भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, आप थक गए ना, अब तो अब रेस्ट कर लेते हैं. तो अब आपको उसको समझाना है कि अब वो इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रहे हैं, बिकॉज अब वो इतना खेल लिया, इतना फिजिकल एक्टिविटी हो गया, इट्स स्लीपिंग टाइम, दे डोंट नो, और वो घूमे जा रहे हैं और हाइपर एक्टिविटी बढ़े जा रही है, एग्रेशन बढ़े जा रहे हैं. तो यू हैव टू, ओ कृष्णा आपने इतना सारा काम कर लिया, अब तो थक गया कृष्णा, अब तो रेस्ट का टाइम हो गया, चलो रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मम्मा भी रेस्ट करेगी. तो मॉडलिंग आर लैंग्वेज प्रॉपरली, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है. दे डोंट अंडरस्टैंड उनका बॉडी में क्या हो रहा है, तो उनसे पूछना नहीं है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको समझाना है. दिस इज नंबर फोर्थ. नंबर फिफ्थ थिंग जिस पे हम लोग काम करेंगे, योगा एंड डीप ब्रीदिंग. देखिए, योगा इज अ वेरी गुड थिंग, अगर मैं बात करूँ, मेडिसिन टू एवरी इशू, मतलब हर चीज़ का इलाज योगा है. कहीं दुख दर्द है, कोई सेंसरी इश्यूज हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हैं, चाहे इंटेरोसेप्शन है, स्ट्रेंथनिंग में हम लोग को, मतलब हर चीज़ में योगा काम आता है, तो हमें योगा ज़रूर कराना है. ठीक है, अब योगा के साथ साथ डीप ब्रीदिंग पे हमें फोकस करना है. जितना ज़्यादा बच्चे को डीप ब्रीदिंग समझ में आएगा, बॉडी कंट्रोल अच्छा आएगा, उनको अंदर की सेंसेशंस कि मैंने हवा ली अंदर, इन यहाँ आई, ऐसे मैंने उसको रोका, ऐसे बाहर गई, तो वो फीलिंग्स एंड सेंसेशंस बहुत अच्छे से डेवलप होती है. एंड डीप ब्रीदिंग, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ब्रीदिंग पे हमें काम करना ही करना है. सो द नंबर फिफ्थ थिंग हमने बात किया इज डीप ब्रीदिंग. दिस इज नंबर फिफ्थ आई थिंक, यस.
नंबर सिक्स थिंग इज कि हमें सोशल स्टोरीज, बच्चों के साथ सोशल स्टोरीज शेयर करना है. आप पिक्चर बुक्स लीजिए अच्छी अच्छी, उसमें विजुअल्स हों. ओ बॉय प्ले करके आया, बॉय को बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, उसे पानी पीना है. ओ थर्स्टी. अब बच्चे को भूख लगी है, कहाँ लगी है भूख? टमी में. टमी में कैसे साउंड आ रही है? गुल 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 गुल. भूख लगी है ना, चलो खाना खाएंगे. वन इज दिस कि बच्चे को एक्सप्लेन किया आपने व्हेन इज थर्स्टी, व्हेन इज हंग्री, सोशल स्टोरीज और पिक्चर्स के थ्रू. द सेकंड थिंग जो कृष्णव के साथ था, ही इज नेवर फुल. उसको भूख लगी ही रहती है, मम्मी भूख लदी है, मम्मी भूख लदी है. एवरी टाइम, एवरी 15 मिनट्स ही नीड समथिंग टू ईट. तो अब उस केस में आपने क्या करना है? टेल देम, एक्सप्लेन देम. ओ अभी तो खाना खाया था, अब खाएंगे, पेट में दुखी हो जाएगा, दुखी होएगा किशु को, फिर पॉटी आएगी. पॉटी आती है ना किशु की, ऐसे मतलब एक्सप्लेन हिम जो भी उसके सिम्टम्स रहते हैं. गिव हिम अ ब्रेक. अब मैं उसको बोलती थी अभी आपने ब्रेकफास्ट किया है, आई विल क्लीन द किचन. अब मैं किचन क्लीन करूँगी ना, फिर उसके बाद देंगे, मम्मा के हैंड डर्टी हैं. मेक द टाइम गैप और उसको फिर वो टाइम निकालने दीजिए, ठीक है, सोशल स्टोरीज और उन सब चीज़ों के थ्रू. तो मेक हिम अंडरस्टैंड. साथ में वर्बल क्यूज आप दे सकते हैं. कृष्ण को हमेशा भूख लगती थी बट प्यास कभी नहीं लगती है, तो हर बार मैं उसको हाफ एन आवर, मेरा दिमाग में रहता था कि हाफ एन आवर मुझे बोलना है. ओके चलो वन सिप पानी पियेंगे. अब उसने बॉटल उठाया, चाहे वो एक सिप पिए, अब उसको नहीं पता है, लेकिन अगर उसको प्यास लगी होगी एक्चुअली में, अब पानी गया, ही फील गुड और फिर वो अच्छे से पी लेगा. हर हाफ एन आवर में मैंने उसको एक सिप पानी के लिए बॉटल देना है. तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज द थिंग इन स्केड्यूल. सॉरी मैंने स्केड्यूल वाला शेयर कर दिया. द नंबर सिक्स थिंग इज कि हम लोग विजुअल स्केड्यूल पे काम करेंगे बच्चे के साथ. विजुअल स्केड्यूल एंड वर्बल स्केड्यूल. दिस इज द वर्बल स्केड्यूल जो मैंने एक्सप्लेन किया, और ये है मेरा अभी का विजुअल स्केड्यूल. पहले मैं इसमें फोटोज लगाया करती थी, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू उसमें शो किया करती थी. तो दिस इज़ अ टू डू लिस्ट कि 5 to 5:15 फ्रूट खाया हमने, उसके बाद 5:15 टू जो हाफ एन आवर मैंने आउटसाइड एक्टिविटी के लिए, सिर्फ विजुअल के लिए मैंने मोरल रिफ्लेक्स का विजुअल दे दिया है, तो बच्चे को समझ में आए हाँ बाहर मुझे ये चीज़ करना है. नाउ वी हैव अ सेट पैटर्न, तो उसको पता है बाहर इतना हमें करना ही करना है. देन जब हम लोग अंदर आएंगे देर विल बी अ वाटर ब्रेक एंड वॉशरूम ब्रेक. फिर उसके बाद हम लोग सिटिंग एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे, बुक्स पे काम करेंगे, देन अगेन वन वाटर ब्रेक. फिर उसके बाद योगा एंड फ्री एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग टाइम देंगे. तो अब मार्कर में रख देती हूँ, जैसे ही उसका फ्रूट फिनिश हुआ ही विल टिकट कि हाँ अब मेरा ये वाला एक्टिविटी कवर हो गया है, अब मुझे ये करना है. विजुअल स्केड्यूल का सबसे बड़ा बेनिफिट कि हम बच्चों को कंडीशन कर देते हैं उसको फॉलो करने के लिए, और वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिस करने के बाद कि बच्चे वो चीज़ें सभी जो टू डू लिस्ट में आप लिखेंगे वो कवर कर लेंगे. सो इस तरह से ये मैंने 7 स्ट्रेटजी शेयर की हैं आपके साथ, जिसमें हम इंटरोसेप्शन पे काम करते हैं, 8 सेंस पे काम करते हैं. और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है. आप देखेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, सेंसरी इंटीग्रेशन, दिस इंटरोसेप्शन, डीप ब्रीदिंग, योगा, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. जब हम एक साथ सारी चीज़ों पे काम करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. सिर्फ अगर आपने सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम किया, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे नहीं किया, योगा एंड डीप ब्रीदिंग फॉलो नहीं किया, तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सिर्फ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे, बाकी सब पे आपने कुछ नहीं किया, तो भी रिजल्ट्स थोड़े मिलेंगे. तो जब सब इकट्ठा करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे. अब बात आती है कि मैं उसके लिए टाइम कैसे निकालूं. दिस इज़ अ थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर रही हूँ वीडियो को. देखिए अब सबके साथ इश्यूज ही रहता है, टाइम कम रहता है, काम ज़्यादा करना है. तो मेरा हमेशा इनिशियल जब मैं कृष्णव का थेरेपी स्टार्ट किया था तब से ये है, मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम स्टिमुलेशन. मेरा ये रहता था कि 2 घंटे अगर मैंने उसके साथ काम करना है, मुझे 20 से 25 चीज़ें उसको कवर करानी है, ठीक है. अब उसके लिए मुझे एक टाइम लिमिट माइंड में रखना होता था कि मैं 5 मिनट एक एक्टिविटी को दूंगी, 5 से 10 मिनट किसी एक्टिविटी के लिए, 5 किसी के लिए 10. अगर उस पीरियड में उसने वो एक्टिविटी नहीं करी देन मूव टू नेक्स्ट. क्योंकि मैक्सिमम एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम स्टिमुलेशन, मुझे उसका फील देना है ताकि उसके सेंसरी इश्यूज डाउन आए, उसको अंडरस्टैंडिंग आए चीज़ों की, और ओवरऑल मैं उसकी डेवलपमेंट में काम कर पाऊँ. तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग तभी कवर कर पाएंगे जब ये रूल फॉलो करेंगे. अगर हम लोग आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट एक एक्टिविटी पर लगा देंगे, तो आप मान के चलिए 2 घंटे में तो हम 4-5 एक्टिविटीज़ ही कवर कर पाएंगे.
तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है मदर के लिए भी, बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है यार मैंने इतना ही करवाया 2 घंटे में और कैसे करूँगी, इतना सारा चीज़ रह गया है। बिकॉज हम लोगों ने भी एक लिस्ट बनाया होता है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए किसी एक्टिविटी के लिए 5, किसी के लिए 10, छोटी एक्टिविटीज़ के लिए 2 मिनट भी रख सकते हैं, क्योंकि पता है कि बच्चा ये 2-3 मिनट में कर लेगा, 5 मिनट में कर लेगा, तो उस तरह से आपने टाइम सेटअप करके रखना है, तभी हम लोग सभी एक्टिविटीज़ को कवर कर पाएंगे। आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल। सो दिस इज ऑल सीरीज, दिस इज द कम्प्लीट सीरीज अबाउट इंटेरोसेप्टिव सिस्टम। आई होप इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि कैसे ये काम करता है, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है और आपको हेल्प कर रही है, तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ योर कमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।